हेलो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई के धानु बीच पर, तो देखते हैं वहां का दृश्य कैसा होता है। हेलो गाइस, आज हम लोग पहुंच चुके हैं धानु बीच पर जो मुंबई में है। तो यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। तो देखिए, ये देखिए सीपीओ की भरमार लगी पड़ी है। तो इस बीच पर आप लोगों को सीपी भी देखने को मिलेगा जो समुद्र के लहरों के साथ बहकर बीच पे आ गया है। ये देखिए, ये हम लोग एक से एक सीपी यहाँ पे बटोरे हुए हैं। समंदर में किनारा जो बिखरू देखिए, हम लोग को मिल चुका है धानु बीच पे मच्छी की दांत। देखिए कितना बड़ा होता, बहुत ही। अगर इस दांत का एक खासियत ये है कि किसी के भी गांव में दबा दिया जाता है और ये टूटता नहीं है। और शहबाज भाई को देख लीजिए कैसा फील हो रहा है आपको ये मच्छी के दांत से। बहुत अच्छा है, आप भी करवाइए। अच्छा आकिब भाई, ये बताइए आजकल के लड़के पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? थोड़ी बता दे। बहुत ही ज्यादा भीड़ है और यहाँ पर सबको इंजॉय करते हुए चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो हम लोग लास्ट एंडिंग पॉइंट पर हैं और हम लोग अब हम लोग जा रहे हैं धानु ब्रिज पर। धानु ब्रिज के बाद अब हम लोग आ चुके हैं धानु ब्रिज पे। देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर कभी आप लोग यहाँ पर आए धानु में तो ये बीच और ये पुल पर जरूर आए, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर शाम के लिए ये बेस्ट। धानु ब्रिज बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जहाजें यहाँ पर आती हैं एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। तो यहाँ पर भाई लोगों का कहना है कि ये बहुत बड़ा बंदरगाह इधर बनने वाला है।
अलग दिशा में आ गए हैं, जो अपने उधर थे वो अलग था, तो वो पट्टे पे तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।